अब जो मांगे उनकी हैं उनका ताल्लुक केंद्र से हो सकता है, संविधान संशोधन के बगैर वहाँ कुछ हो नहीं सकता। जैसे अभी 10% EBC का हुआ है, उस प्रकार कोई रास्ता निकलेगा तब जाके इनकी मांग पूरी होगी। इनकी मांग एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की जो 5% की है, बार बार असेंबली में कानून बनता है, हम लोग लागू करते हैं और हाईकोर्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी भी जो उनकी मांग है वो मांग तब पूरी होगी तब संविधान में संशोधन होगा। जब ये बात हम जानते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि बैठला जी को और उनके साथियों को चाहिए कि वो जाके ज्ञापन दे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन दे, अपनी बात को कहे, अपनी भावना बताए उनको, बजाय इसके कि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो वो उचित नहीं कहा जा सकता है। तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि जो मांगे हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही पूरी की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के सामने ज्ञापन लेकर जाएं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, क्योंकि बिना संविधान संशोधन के ये मुमकिन नहीं है। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो वो उचित नहीं कहा जा सकता केंद्र सरकार को। अभी हमने टीम बना दी 3 मंत्रियों की कि बैठला जी, उनके तमाम साथी सब आके बातचीत भी करें, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे क्या चाहते हैं वो बताएं, हम हमेशा तैयार हैं उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम ड्यूटी निभाएंगे पूरी। कौन 3 मंत्री? 3 मंत्री जो आपने कमेटी बनाई जिनसे बात करनी है वो तो कल डिक्लेयर हो चुकी है सबको। तो बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां जो गुर्जर समाज का जो आंदोलन है उसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो ये समाज मांग कर रहा है एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की, अब इनकी मांगे केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि संविधान में संशोधन के बिना ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हैं वो अपने कुछ नेताओं को साथ लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, उन्हें ज्ञापन सौंपें और इस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है इसको लेकर उन्हीं से गुहार लगाएं। लेकिन जो प्रयास किए जा सकते थे राज्य सरकार की तरफ से वो हर लेवल पर पूरे किए गए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जितना काम हम कर सकते हैं इस समाज के लिए उतना हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अब केंद्र के स्तर पर काम बाकी है, ऐसे में कर्नल बैसला केंद्र सरकार से भी बात करें और उन्हें एक ज्ञापन सौंपें।